पेस्ट किया बिल्कुल लाइव वन टाइम में, यानी कि एक फ्रेशर ने इतनी सारी चीजें की वन टाइम में। सर इनसे पूछिए कि कोर्स की गारंटी सिक्योरिटी कितनी दी हमने, इतनी फुल गारंटी दी सर ने, जैसे बोला था ना प्रॉमिस किया था कि 14 दिन तुमसे सीपीयू लगवा लेंगे वो भी चालू मोबाइल में, वो उन्होंने करके दिखाया था। यानी कि आप फ्रेशर थे और आपने 14 दिन सीपीयू लगा दिया, सीपीयू लगाया पैसे देने के लिए, बिल्कुल तैयार सर, कभी नहीं कहा सर, कभी नहीं कहा सर ने कि पैसे नहीं देंगे, तुम अगर 14 दिन नहीं कर पाओगे तो मैं वापस पहुंचा देंगे, पूरी 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 गारंटी ली थी सर ने। बिल्कुल कर्नाटक से, कर्नाटक से है, देखिए जो साउथ के हैं और जो कर्नाटक से देख रहे हैं और जिन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कर्नाटक के स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ इंडिया में हर जगह से स्टूडेंट आता है, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो या सूरत से लेके आसाम तक हो, यहाँ मिजोरम हो या मेघालय हो, हर जगह से आपको स्टूडेंट देखने के लिए मिल जाता है। और सर ने इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी को पढ़ाया है, यूएई के सर के स्टूडेंट हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, इसके अलावा भी और भी ऐसी कंट्री है जहां के स्टूडेंट देव सर के होते हैं। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक के प्यारे लोगों, मेरा नाम है देवदत्त अग्रवाल और मैं एशिया टेलीकॉम की तरफ से अपनी टीम की तरफ से दो लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। ये है उमा भाई शंकर, ये उमा शंकर जी हैं जो कि मुंबई से आए हैं, गिव मी रूम के ऑनर, और इनका भी आप एक डेडिकेटेड वीडियो देखोगे। और ये हैं जेडएस मलिक, जैसे कि आप इनको जानते हो, और साथ आप मेरी टीम। सो आज की जो क्लास है हमारी वो ड्यूअल लेकर की क्लास है, आज हम हर बच्चे से ड्यूअल लेकर यहाँ पर अटेम्प्ट करवा रहे हैं और उनको जो फ्रेश बोर्ड है वो भी हम दे रहे हैं यहाँ पर। सो अब तक की क्या क्लासेस हुई थी सारी चीज़ हम देखेंगे, पर ये वीडियो डेडिकेट ड्यूअल लेकर का है, यहाँ हर स्टूडेंट से हम थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अब तक की उनकी क्या जर्नी रही है, क्योंकि देखा जाए तो आज सेकेंड लास्ट डे है। सो सबसे पहले मैं उमा शंकर जी को बुलाऊंगा जो कि बाहर से आए हैं। सो मुझे बताइए अभी आपको एशिया टेलीकॉम आके कैसा फील होता है और आप यहाँ किस रीजन से आए हैं, थोड़ा सा बताइए प्लीज़। मुझे तो एशिया टेलीकॉम आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ देखता हूँ जिस तरीके से जो स्टूडेंट सीखते हैं उनके अंदर जो जोश दिखता है, उनके अंदर जो चीज़ें बताई जाती बेसिक से, जो उनको क्या करना है फ्यूचर में, किस तरीके से अपने कामों में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में बताया जाता है, वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको बताएं उमा भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर हर स्टूडेंट की गारंटी ली जाती है, मतलब कोई भी कोर्स में गारंटी कोई नहीं देता है, बिल्कुल यहाँ पर इनको पूरे 4 से 5 दिन तक की गारंटी की, अगर आपको लगे कि 5 दिन में भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूरे पैसे लेके जा सकते हो। सो ये बताओ ये अच्छी बात है कि नहीं यहाँ पर? ओके ये तो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, जैसे कि अभी सीख कर जाते हैं तो उसके बाद उसके लिए बैकअप बैकअप की क्लास यहाँ पर जिंदगी भर है, हर महीने में 2 बार वो आ सकता है, यहाँ एक बहुत बड़ी टीम है, एक बंदा नहीं है जो पढ़ा रहा है, बैकअप के लिए भी हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जो यहाँ पर स्टूडेंट को व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, टीम व्यूवर के थ्रू, और उसके साथ में अगर हैंड स्किल की कोई दिक्कत जाती है तो आप वापस आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो मेरे साथ में जेडएस मलिक सर है, सर थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए अपना। बिल्कुल सर, मैं जब भी एशिया टेलीकॉम आता हूँ तो मैं लास्ट डे आता हूँ, और मैंने और भी जो इंस्टीट्यूट का रिव्यू देखा है, लास्ट डे कैसा होता है कि बच्चों के चेहरे जो ना वो एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है और उतरे हुए होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब स्टूडेंट आता है तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लेके आता है, लेकिन जब वो इंस्टीट्यूट पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई शेड्यूल ही नहीं है, टीचरों का बिहेवियर ऐसा है, डिसिप्लिन नहीं है, और जो उसे चाहिए होता है प्रॉपर वो मिल नहीं पाता। तो जो मुझे यहाँ आके फील होता है वो ऐसी एनर्जी मुझे देखने के लिए मिलती है कि अगर मैं सुबह एक तरीके से कहूँ ना कि बिना नहाए धोए भी आ जाऊँ तो यहाँ देख के चेहरे उनके ऐसी एनर्जी पॉजिटिव आ जाती है कि हाँ नहीं इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, और दिल खुश हो जाता है वो चीज़ें देख के। तो आज भी आपको वही दिखाने वाले हैं यहाँ किस तरीके से, मेरे भी चैनल पे सर लाइव जा रहा है और हर महीने मैं भी दिखाता हूँ, तो जो मुझे देख रहे हैं वो भी आज देखेगा कि लास्ट इनका कैसा है बिल्कुल और क्या रिव्यू है। तो इस बार मैं चाहूंगा कि इस बार मेरी जगह में मलिक सर रिव्यू लेंगे हर एक से, ठीक है? चलो मिलन सर बताइए किस तरह की क्लास रही है क्या? मैं तो यही बताऊंगा कि जैसे सिर्फ डबल डेकर एक चीज़ ऐसा है कि आज कॉमन हो गया है कि करना ही है हर टेक्नीशियन भाई को, और वो क्या करते हैं अगर 10 मोबाइल डबल डेकर के आता है उनके पास तो उनके वे 3-4 तो हो ही जाता है, लेकिन और बाकी 7 फ़ोन डेट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें आप 10 के 10 फ़ोन रेडी कर सकते हो विदाउट डेट रिक्स के साथ। और दूसरी बात, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिखाते नहीं हैं हम, एक्चुअली हम तो एक करके दिखाए हैं, उसके बाद देखना एक अलग बात होता है, करना अलग बात होता है। तो इसलिए आप देखिए कि आप यहाँ पर है ना, यहाँ पे आप क्लास दिखाइए, तो आप देखिए अभी हमारी क्लासेस यहाँ पे है जो ड्यूअल लेकर की चल रही हैं, ये हमारी 28 सितंबर की बैच है, एक बार मैं सबको दिखाना चाहूँगा 28 सितंबर बैच। किस किस के हाथ में ड्यूअल लेकर का बोर्ड है, एक बार हाथ खड़े करो यहाँ पर।
तो अभी आपने इससे पहले लाइव क्लास देखी यहाँ पर? इससे पहले लाइव क्लास देखी ड्यूल डेकर की लाइव क्लास जिसमें मिलन सर ने अभी ड्यूल डेकर किया? किस किस को समझ में आया वो चीज कि रैम की और सीपीयू की क्या क्या हीट होनी चाहिए? ये दिमाग में क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी तक आप जो यूट्यूब में देख रहे थे वो चीज आपने आज कुछ प्रैक्टिकल लाइव देखी, तो यूट्यूब में और इसमें कितना अंतर लगा आपको? कितना अंतर लगा? पक्का? अब यहाँ पे कौन कौन कर रहा है ड्यूल डेकर एक बार हाथ खड़े करके ये देखिए। और मैं बात करूं ब्लैक पेस्टेड की, मैं बात करूं सीपीयू की, मैं बात करूं एमएमसी की, तो निकाल के किस किसने यहाँ फोन चालू किए बताइए? एमएमसी प्रोग्रामिंग पक्का? और अगर मैं बात करूं डेट डायग्नोस या कोई भी सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, किस किस को समझ में आया यहाँ पर कॉम्पिटेंट के साथ? चलो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात करते हैं, थर्मिस्टर कौन कौन ढूंढ सकता है बिना डायग्राम के? चलिए तो पैसा वसूल किस किस का हुआ बताओ यहाँ पर पक्का? ठीक है, तो देखिए आप इनका जोश जैसे देख सकते हैं। इनके साथ में मैं अभी इन्हीं से ही पर्टिकुलर एक एक से बात करूंगा, अभी इनकी क्लासेस चली रही हैं। सो आइए सर कुछ बताएं। हेलो, मैं एस टेलीकॉम से दुर्गेश, और मैं बताऊं यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है स्कीमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं का कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, कभी हार्डवेयर पढ़ा दे रहे हैं, कहीं सॉफ्टवेयर पढ़ा दे रहे हैं, कहीं ड्यूल टेकर करा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक दिन का एक शेड्यूल है, पहले हम हार्डवेयर करते हैं, पहले बेसिक सीखते हैं, पहले हार्डवेयर के बारे में कॉम्पोनेंट, फिर उसके बाद सेक्शन। ऐसा नहीं कि हार्डवेयर में भी कुछ भी का कुछ पढ़ा रहे हैं, पहले हम कॉम्पोनेंट पढ़ाते हैं, फिर सेक्शन वाइज आते हैं आईसीयू की डिटेल। जब ये नहीं पता होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर में जो इनको नेक्स्ट लेवल का जो भी अभी करंट में चलता है, जो भी यहाँ पे चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जहाँ पे फंसते हैं, जो एरर्स आते हैं, वो हम सब लाइव प्रैक्टिकल करके इनको दिखाते हैं और वो लाइव क्लास में अपडेटेड क्लास। अच्छा, जैसे आपने बोला लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो क्या आप लोग यहाँ पे सिर्फ सामने बैठते हो और दो चार फोन चालू कर देते हो, स्टूडेंट ताली बजा देते हैं और वो लोग घर चले जाते हैं, ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे स्टूडेंट ही करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल। हम केवल गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, बाकी सारा प्रैक्टिकल स्टूडेंट खुद करता है अपने हाथों से, और वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो उमा शंकर जी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सर, इतनी दूर से मुंबई से आए हैं और अपना पूरा दिन अपना अपना काम आम छोड़ के एक इंस्टीट्यूट को यहाँ पर अपना। अच्छा सर, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, गिव मी रूम के बारे में, जो लोग यहाँ पे अगर गिव मी रूम लेना चाहते हो तो वो क्या है और उसमें क्या अभी ऑफर मिलेगा? दिवाली ऑफर भी बता दीजिए। गिव मी रूम के लिए ऑफर है 20 अभी लाइव चल रहा है। और दोस्तों मैं सिर्फ बता दूं, एसे टेलीकॉम आज तक ट्रांसपेरेंसी हमेशा कभी नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, आप देखो यहाँ पे लाइव है। मैं एक बार स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स डे वन से काउंसलिंग क्लास से मुझे बताओ कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपको हाइड रखा? नो सर। रात में जाने से पहले, सुबह आने से पहले कभी? नो सर। हमेशा आपको लाइव रखा ना? यस सर। तो ये ट्रांसपेरेंसी इनकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है सर, यहाँ पर लाइव रहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट कर सकता है क्या लाइव? बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल बताओ सर। जैसे कि गिव मी रूम में आपको दिवाली का ऑफर है 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, जो आपको 1580 का जो प्लान है वो आपको 1000 रुपीज में मिल रहा है। जी, आप अगर गिव मी रूम जाते हैं तो अभी आपको जो 1500 रुपए का प्लान है वो 1000 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप पुराने एसे टेलीकॉम के स्टूडेंट है तो उसमें प्लस 2 मंथ का ऑफर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे सारे एक स्टूडेंट है, आप एक भी खड़े रहेंगे सर। क्या है आपके हाथ में, दिखाओ सबसे पहले। सर ये ड्यूल डेकर का बोर्ड दिया है हमें। अच्छा, सुबह इसका थ्योरी हमको समझा है सर ने, और अभी प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड दिया। और जो सुबह थ्योरी भी समझाया है तो क्या सिर्फ दिखा के समझाया है या पूरा ड्यूल डेकर आपके सामने अटेंड किया उसमें? यस सर, उन्होंने थ्योरी भी समझाया और प्रैक्टिकल करके दिखाया हमें, और जो भी प्रिकॉशन रखना है उसमें वो प्रिकॉशन भी सब हमें समझा दिया। उसमें फोन चालू हुआ था उनका? यस सर, चालू हुआ था। तो यहाँ पर जो भी चीज है डे वन से लेके अब तक क्या चेंजेस आए हैं? सर मैं जब यहाँ पे आया था तो मन में बहुत सारे डाउट्स लेके आया था और कम नॉलेज था हमें, जो हम फील्ड में है थे पहले से, पर ऐसा नहीं लग रहा है। इधर अभी सीखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था। अभी यहाँ पे आने के बाद इतने सारे रास्ते हमें खुल गए कि ये भी होता है, ये यहाँ पे आने के बाद हमें समझ में आया सर। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का जो आपका फैसला था वो सही था? 101% सही है सर। अगर ये आप पहले करते तो क्या क्या होता? बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता था। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो नहीं होता, अगर पहले आ जाता तो बहुत आगे चला जाता था। तो अभी आप क्या बोलना चाहोगे जो नए इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करना? नए स्टूडेंट आएंगे, उन्होंने बिना सोचे बिना देरी किए सबसे जल्दी से जल्दी यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। जिसको मोबाइल की इंडस्ट्री में करियर बनाना है उसने सबसे पहले यही इंस्टीट्यूट को चूज करना चाहिए। तो आप अपनी गारंटी फुल दे सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा डे वन से यहाँ पे अटेंड किया है, सारी चीज की है। सो यहाँ पर जो डिसिप्लिन है और जो टीचरों का
नॉलेज है वो कैसा है? सर देव सर पहले हमारा जो थ्योरी रहता है उसका प्रिपरेशन इतना अच्छे से करते हैं, बाद में फिर दुर्गेश सर आके उसमें सॉफ्टवेयर का इतना नॉलेज देते हैं प्रॉपर तरीके से, तो कोई भी डाउट नहीं रहते। और उसके बाद में सबसे आखिर में जो सेशन रहता है EMMC का, उसमें मिलन सर पूरे डाउट हार्डवेयर रिलेटेड रहने दीजिए या सॉफ्टवेयर रिलेटेड रहने दीजिए, वो सारे के सारे पूरे डाउट क्लियर कर देते हैं। तो आपने जियो की IC से लेकर आज डुअल डेकर का सफर है, तो ये कभी सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा? सच बताओ आप। कभी नहीं सोचा था और मन में डाउट ही थे आने से पहले कि हम ड्यूल डेकर हो गया, ब्लैक पेस्टेड हो गया, ये चीजें सिर्फ हम सपने में सोचते थे। सपने में सोचते थे। डायग्नोस हो गया, कितना इजी कर दिया मैंने बताओ? बहुत इजी हो गया सर, का जो पढ़ाने का तरीका है और उसमें जो भी मेथड हमें जो सिखाया जाता है ना, तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा वो मेथड यूज करके। मुझे नहीं लगता कोई हैंडसेट हमारे से अगर रिटर्न जाएगा, और जाएगा भी तो जो भी रीजन होंगे वो फाइंड आउट करने के लिए हम आगे सीखेंगे। यस सर, यस। कभी ऐसा हमें दिमाग में रखेंगे क्या कि एक सेट बनना है तो 100% बनना है? हमें हर चीज सीखते रहनी है ना। यस सर, यस। जितनी लर्निंग बढ़ेगी उतना ही हम सेट बनाएंगे। और बैकअप का क्या आपके दिमाग में चल रहा है यहाँ से जाने के बाद? ये हम कभी सोचना नहीं है कि हमें 100% आता है। रोज का डेली का जो है, हर सर्किट चेंज होता रहेगा, हर मोबाइल नया आता रहेगा, हर टेक्नोलॉजी नई आती रहेगी। तो सर ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म, मतलब मुझे नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूट देता है यहाँ पे, या मुझे नहीं मालूम है, पर यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए बैकअप हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है, हमारे सर ने हमको दिया है। और वो खुद कहते हैं कि आप आओ, इसका लाभ उठाओ। वो हमें बार बार कॉल बैक भी करते हैं कि आप हमसे जुड़ो और अपना नॉलेज अपडेट करो। तो ये कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ से आए थे? मैं सर प्रशांत पवार, पुणे महाराष्ट्र से। पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ में यहाँ पर दो स्टूडेंट और हैं। एक मिनट सर, आप उठेंगे। आप क्या कर रहे हैं? डोल डेकर कर रहे हैं। सो मलिक सर, प्लीज अटेंड। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज सुबह, जैसे आज का आपका डुअल डेकर है, तो सुबह आपको बताया गया है कि सर पूरा पहले थ्योरिकल बताया है, इसके बाद प्रैक्टिकल करके एक डेट सैमसंग का मोबाइल का उसको ऑन भी करके बताया गया। अच्छा, लाइव करके दिखाया गया। ठीक है, तो आपका जो पहले दिन से और आज आखिरी दिन यहाँ है, जैसे सेकंड लास्ट डे है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? सर पहले तो हम नील थे, एकदम खाली ग्लास की तरह थे, और अभी इतना भर के जा रहे हैं ना कि समय नहीं हमारे पास बताने के लिए। सर इतना बहुत बताया उन्होंने सर ने। अच्छा, जैसे यहाँ के बारे में कहा जाता है, तुम्हारे तो कितने सारे वीडियो डले हुए यहाँ पर, कुछ लाइव ही वीडियो डले तुम्हारे यूट्यूब पे डले, क्योंकि मैं पहली बार में कोई बोल। तो ये वो सारे फेक है क्या? ना सर, एकदम ओके हैं सर। फेक हो कैसे सकते? सारे वीडियो। अच्छा, रोज लाइव जो आते थे वो आपसे प्रेशर लाइव से किया जाता था, आप अपनी जिसे खुद बोलते थे जो भी? अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइव से पहले लोगों को बता दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं सर, मैं खुद करके जाता हूं। अच्छा, जब आप पहले करते थे काम? ना सर, कभी नहीं। कभी नहीं करते थे? और आप कभी नहीं करते थे? और आपने इस बीच में क्या क्या किया है, कुछ दो चार चीजें बताइए। सीपीयू रिवॉल्व किया ऑन मोबाइल पे, बिल्कुल लाइव मोबाइल पे। डबल डेकर किया, पेस्टेड किया, ब्लैक पेस्टेड किया, बिल्कुल लाइव वन टाइम में। यानी कि एक फ्रेशर ने इतनी सारी चीजें की वन टाइम में। सर इनसे पूछिए कि कोर्स की गारंटी सिक्योरिटी कितनी दी हमने? इतनी फुल गारंटी दी सर ने, जैसे बोला था ना, प्रॉमिस किया था कि 14 दिन तुमसे सीपीयू लगवा लेंगे, वो भी चालू मोबाइल में, वो उन्होंने करके दिखाया। यानी कि आप फ्रेशर थे और आपने 14 दिन सीपीयू लगा दिया? बिल्कुल, कभी नहीं कहा सर, कभी नहीं कहा सर ने कि पैसे नहीं देंगे, तुम अगर 14 दिन नहीं कर पाओगे तो मैं वापस पहुंचा देंगे। पूरी 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 गारंटी ली थी सर ने। बिल्कुल। और सपोर्ट का कैसा है यहाँ? सपोर्ट इनका लाइफ टाइम सपोर्ट है। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, चाहे 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार आओ, कितने बार भी आओ, सीख के जाओ, कभी भी मना नहीं करते। क्या बोर्ड है आपके हाथ में, दिखाओ जरा। अभी बोर्ड दिखाइए, दिखाइए जरा। ये देखिए सर, सैमसंग का जो कि डबल डेकर है सर। यहाँ से जाने के बाद मैं सारा काम करूंगा सर, सारे टूल लूंगा सर। और पहले तो मैं टूल के बारे में भी नहीं जानता था, अभी यहाँ आके टूल के बारे में, क्योंकि टूल के बिना कुछ नहीं हो सकता सर। टूल और ट्रिक के बिना कुछ नहीं हो सकता सर। और इवन आप मलिक सर की भी क्लास अटेंड करेंगे, बहुत सारी चीज अटेंड करने वाले हैं। इसी के मलिक सर के बहुत होना साथ में कितना जरूरी है? बहुत जरूरी सर, बिना गाइडेंस के, बिना गुरु के कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ टीचर जो होते हैं वो आपका जो टाइम है वो टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं? वो सर पहले से टाइम पे यहाँ पे ना सर, क्या है ना कि टीचर बहुत मायने रखता है यहाँ पे, टीचर ही से वजह से सब कुछ चल रहा है, जो मेंटेनेंस है। वरना स्टूडेंट तो बिगड़ा हुआ होता है, वो काम करने लग गया, अब क्या जानते क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन टीचर यहाँ बताते हैं, समझाते हैं किस तरीके से बिहेव, किस कैसे रखना है सर। अच्छा, जो डिसिप्लिन देव सर ने इंस्टीट्यूट में लागू किया हुआ है, बहुत लोग कहते हैं कि ये तो डरा धमकाने वाला है। हाँ सर, लाजवाब उनका, उसकी वजह से लाइफ सुधर जाएगी। बहुत से लोग करेंगे, वो पूरी जिंदगी अपने
सर के तौर तरीके से रहने लग जाएगा पूरी जिंदगी उसने जो, यानी कि जरूरी है डिसिप्लिन जरूरी है यहाँ, टीचर भी डिसिप्लिन है और सबसे खासियत तो देव सर से मोटिवेट इतना होने के लिए मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिलता। मैं तो सर देव सर का फैन हूँ सर, मैं तो वीडियो जमाने से बिल्कुल बिल्कुल नहीं बहुत अच्छा। और अब यहाँ से जाने के बाद पूरी मेहनत कीजिएगा, ये वीडियो देखिए मैं खुद स्पेशली आया हूँ और ये कोई भी वो नहीं है कि मैं आपसे कह के या इस तरह से डायरेक्टली, लाइव चल रहा है मेरे भी चैनल पर, मेरी भी ऑडियंस आपको देख रही है और ये बिल्कुल डायरेक्ट आपसे सवाल जवाब थे। तो आप कीजिए अपना डुअल टैकर कीजिए दूसरे से। हाँ जी सर, आप क्या कर रहे हैं? सर डुअल टैकर कर रहे हैं। डुअल टैकर कर रहे हैं, तो आज आप डायरेक्ट डुअल टैकर करने लगे हैं या पहले बताया गया है आपको? पहले सर ने मिलन सर ने बताया है बकायदा पूरी एक एक चीज बताई है फिर उसके। अच्छा बिल्कुल, मतलब प्रॉपरली आपको समझाया गया है कि कैसे क्या करना है। कर पाओगे? है सर, मैंने निकाल भी लिया है ये। अच्छा निकाल भी लिया है, वेरी गुड, इन्होंने निकाल भी लिया इतनी जल्दी। ठीक है, तो आपका जो पहले दिन से और आज सेकंड लास्ट डे है कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, निकालने के बाद इतना सोच रहा है कि मैंने एक बार में कर लिया। अच्छा, और इन चार ये जो चार दिन आपके थे, सॉरी देव सर ने एक मुहिम चलाई है अभी कि वो चार दिन में पैसा वापस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो गारंटी सही है या झूठी है? बिल्कुल सही है, गारंटी बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूरा पैसा वसूल है। अगर एशिया टेलीकॉम ये बोलता है, अगर आप एशिया टेलीकॉम अगर ये बोलता है कि चार दिन की क्लास लो मेरे से, 48 घंटे की होती है, 50 घंटे की क्लास होती है, अगर उसके बाद तुमको नहीं समझ में आता तो बिल्कुल घर चले जाओ। बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब आप आए थे आपको भी ये कहा गया था? हाँ बिल्कुल कहा गया। ठीक है, तो आप क्यों नहीं गए? नहीं सर मैं नहीं, तो यानी कि आपको प्रॉपर मिला जो सर ने गारंटी दी थी, वो गारंटी पे खरे उतरे हैं सर। सर बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले? सर मैं अपना पूरा सेटअप बनाऊंगा। ठीक है, सर से मिला रहूंगा फिर काम करूंगा। अच्छा डिसिप्लिन कितना जरूरी है? डिसिप्लिन सर बहुत जरूरी है, बहुत डिसिप्लिन के बगैर काम नहीं होगा। तो आपका कैसा था? आप मतलब 11-12 बजे किसी भी टाइम आ जाते थे? नहीं, एक पंचुअल टाइम पे इंस्टीट्यूट में आते? टाइम टू टाइम, अगर यहाँ पे जो टाइम दिया गया उस टाइम पे आना पड़ा। अच्छा लोग आपकी लाइव वीडियो देखते थे, ऐसा तो नहीं आपसे जबरदस्ती बुलवाया जाता था लास्ट में? नहीं नहीं कोई। ये जो एनर्जी आपके अंदर आती है कहाँ से आई है? नहीं सर लोग नहीं दिए, सर लोग नहीं दिए, यानी कि मिलन सर का, दुर्गेश सर का आपको सब बढ़िया मतलब एकदम मिला है? बहुत बढ़िया। ठीक है, आप कीजिए। हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं? सर डबल डेकर कर रहे हैं। डबल डेकर कर रहे हैं, यस सर। आज बताया गया आपको? यस सर। क्या क्या बताया? आज ये जो प्रैक्टिस कराई कि कैसे कैसे करना है डबल, जो ट्रिक थी सब बताई थी मिलन सर ने। अच्छा आप पहले से कर रहे थे या कुछ? नहीं पैसे तो हम डबल डेकर को नहीं, यहाँ आने से पहले क्या करते थे? दुकान थी हमारी, मोबाइल की दुकान थी, मतलब पहले से चला रहे थे। हाँ, अच्छा जो यहाँ आने के बाद आपको मिला है, जैसे डेक डायनोस हो गया, मैं खुद सर की क्लास अटेंड की है, या फिर जो आपका ये काम कर रहे हैं आपसे 4G CPU, तो ये आपको पॉसिबल लगता था कि ये भी सब कुछ आप कर पाएंगे? पहले नहीं लगता था सर, जब दुकान पहले तो बस जैको और कम्बो डाल दिए, तो उसी में मतलब ऐसे सोचते थे कि जैसे डबल डेकर आया तो हम हाथ में लगाते थे वापस देते थे। तो अब जिस दिन से हम मतलब आज इधर जब से आए हुए हैं, मतलब एक पहले दिन 28 तारीख से अभी तक इतना मतलब चेंज हो गया, हम मैं क्या बताऊँ आपको, पहले तो हम कुछ मतलब जीरो थे, तो अब देव सर की जो क्लास अटेंड करके मतलब इतना जोश आ गया कि हम जैसे जाएंगे हमें पता है कि कोई सर रिटर्न नहीं, कि जोश के साथ साथ नॉलेज भी आपको मिली है, जोश ही नहीं मिला है नॉलेज भी आपको मिली है। देव सर के वो भी बोल रहा कि पहले मैं वीडियो देखता था देव सर की, और अब भी देखता हूँ, तब भी मैं इधर आया था देव सर। अच्छा एक सवाल, एशिया टेलीकॉम ही क्यों चुना? मैं तो मेरे पास दिल्ली भी पढ़ता, मैं जम्मू कश्मीर से। अच्छा जम्मू कश्मीर से, बताइए बिल्कुल गूगल के मैप मतलब इंडिया के मैप पे से लास्ट से आप यहाँ बीच में आए हैं? वही तो, मेरे को मैं दिल्ली भी जा सकता था, लेकिन ऐसा क्योंकि मैं जो देव सर की वीडियो देखता जोश देखता था, देव सर का बोलने तो कैसे पढ़ाते हैं, तो उसकी को देख में आया, तो वो मिला मेरे को। अच्छा सर की जो फेसबुक पर डेली लाइव आते हैं वो चेक करते थे? बिल्कुल, शाम को दुकान बंद के जैसे मैं 10 बजे बंद कर पूरी वीडियो देखता था रात को। अच्छा जो लोग देख रहे हैं अगर वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी जल्दी अपने मतलब जो करवाओ, आप क्या बोलते हो, बुकिंग करवाओ आने के लिए बैच की, तो जल्दी जल्दी आ जाओ। जम्मू से कोई भी आया तो कोई मतलब टेंशन नहीं, गारंटी दे सकते हो? बिल्कुल, मैंने नंबर भी दिया हुआ है। अच्छा नंबर भी दिया हुआ है, एकदम लाइव में मैंने। तो देखो ये अभी हम यहाँ स्टूडेंटों का रिव्यू ले रहे थे, ये जो चीज आपको देखने के लिए मिल रही है ना कि स्टूडेंट आगे से खुद नंबर देने के लिए तैयार है, तो ये वो लोग नहीं है कि जिन्हें स्क्रिप्टेड तैयार किया गया है, ये वो लोग हैं जो खुद यहाँ से सीख के जा रहे हैं और आपको वहाँ जाने के बाद गारंटी ले रहे हैं कि हाँ हम भी सीख के आए हैं, हम भी ग्रेजुएट हुए हैं, आप भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। ठीक है, आइए और बात करते हैं उधर।
एक बार दिखा दो, ये देखिए सभी अपने काम में लगे हुए हैं, सब अपना डुअल लेकर कर रहे हैं और हम इन्हीं सभी से रिव्यू ले रहे हैं काम करते हुए। सर क्या कर रहे हैं आप? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर कर रहे हैं जी सर। क्या डायरेक्ट डुअल डेकर करने लगे, आपको बताया गया? बताया गया सर, पहले बताया गया, प्रैक्टिकल दिया गया। प्रैक्टिकल जी सर। तो आपको समझ आया? जी सर। अच्छा, यहाँ जो जैसे सॉफ्टवेयर की क्लास हुई दुर्गेश सर ने ली या एमएमसी की क्लास हुई मिलन सर ने ली, वो प्रॉपर आपको समझ में? प्रॉपर सर। क्या उन्होंने ऐसा तो नहीं मतलब आज ये बता दिया कल कुछ दूसरे टॉपिक बता दिया, या आपने कोई सवाल किया हो तो उसका जवाब ना दिया? नहीं सर, एक एक बच्चे से पूरा कंफर्म करा जाता है। अच्छा, समझ में आया कि नहीं है, यानी पूरा सिलेबस के तौर पे आपको बताया जाता है? यस सर। ऐसा तो नहीं कि आपने दो से चार बार पूछ लिया हो तो वो गुस्सा हो गया? नहीं सर, वो बोलते मैं 100 बार पूछो आप। अच्छा, 100 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे। पहले क्या करते थे आप यहाँ आने से पहले? शॉप है सर, मोबाइल शॉप है पहले से। तो जब यहाँ आने से पहले आपकी शॉप थी तो आपने एशिया टेलीकॉम ही क्यों चुना? सर नॉलेज की वजह से। ठीक है, कहाँ देखते थे आप एशिया टेलीकॉम को? यूट्यूब में देखते थे, यानी कि आपको लगा कि हाँ आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, जो देव सर की एक गारंटी चल रही है कि 4 दिन में पैसा रिफंड दे देंगे, क्या वो सही है या गलत है? सही है सर, एकदम 101%। 101%, यानी 4 दिन आपको भी बिठा के आपको भी बताया गया, चौथे दिन आपसे कहा गया था कि पैसे रिफंड ले लो? जी सर, बोले थे। अच्छा, बोले थे, तो आपने क्यों रिफंड नहीं लिए? नहीं सर, नॉलेज मिल रहा तो क्या? अच्छा, यानी 4 दिन में आपको इतना जरूर लिया है कि आपको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी और आपको नॉलेज की वैल्यू पता चली। क्या कर दिया था चौथे दिन? क्या कर सर, सीपीयू और पावर निकल लगा दिया था। यस सर, वेरी गुड। तो अब जो यहाँ मतलब ये आपके ओवरऑल आज लास्ट ही डे, आप समझ लीजिए कल आपका नैंड होगा और टूल्स की क्लास होगी, तो इन 28 दिन में जो आपने सीखा है, क्या आप कभी सोचा था कि आप भी इतना कर पाएंगे? मोबाइल का लास्ट पॉइंट, मोबाइल जो एंड होता है, एंड टू सॉल्यूशन। यस सर। ठीक है, खुश है ना? बिल्कुल एकदम सर। ऐसा तो नहीं ये सब हम लोगों के दबाव से स्क्रिप्टेड किया जा रहा है? कुछ नहीं सर, लाइव चल रहा है, बोल सकते हो जो मर्जी है। नहीं सर, ऐसा इन्हीं की ऑडियंस नहीं, मेरी भी ऑडियंस देख रही है, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ। यही आपका यही जज्बा और जुनून जो आपको एशिया टेलीकॉम में देखने के लिए मिलता है, ये आपको कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कभी भी स्क्रिप्टेड पे काम नहीं करते हैं और आपको इतने अच्छे तरीके से यहाँ देखिए 4 दिन में आपको डुअल डेकर की या फिर 4 दिन में आपको कम्प्लीटली ये बता दिया जा रहा है कि आप पैसा रिफंड ले सकते हैं। 4 दिन देखिए, अब जो बच्चा 4 दिन में लाइव CPU कर ले रहा है, लाइव क्लास एमएमसी पावर पे काम कर ले रहा है, तो आज वो लास्ट डे डुअल डेकर कर रहे हैं, तो उनके चेहरों से पता चलता है कि हाँ आखिर उन्होंने काम सीखा है। हाँ, ये और लेते हैं किसी का, एक और, ये और लेने दो चार। हाँ, मेरा कहना है बकुरा, ये लड़की का ले लो, इसको बॉस होकर दे रहे हैं। हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं? सर मैं डुअल डेकर कर रहा हूँ। डुअल डेकर कर रहे हैं, दिखा दीजिए मदरबोर्ड, दिखा दीजिए, ऐसा तो नहीं कि बिना डुअल डेकर कहे और चल कुछ हो ही रहा हो? हाँ, डुअल डेकर ही चल रहा है और इन्होंने निकाल दिया है। यस सर, निकाल। अच्छा, दोनों निकाल दिए हैं, वेरी गुड। तो ये जो आपने निकाला है इसके बारे में कोई ट्रिक या कुछ ईजी तरीके कैसे या कुछ बताया गया है आपको? मुझे प्रैक्टिकल ही बताया गया, मुझे नहीं बोले कि सभी को प्रैक्टिकल करके ही बताया गया। अच्छा, प्रैक्टिकल, तो समझ आया आपको? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि बस उन्होंने करके दिखा दिया, समझ में आया या नहीं? अच्छा, अभी अगर आपका कोई डाउट होता है तो इसके बारे में टीचर आपको बताते हैं या नहीं बताते? बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है आपसे कि नहीं बस बैठ जाओ जो मैंने बताया वो कर लियो, नहीं तो घर जाके कर लेना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, जब तक कि खुद से नहीं सीखोगे, खुद से नहीं हो पानेगा, जब तक कि चलता अच्छा, ही रहेगा। यहाँ आने से पहले क्या करते थे? यहाँ आने से पहले मैं शॉप पे ही काम करता था, बल्कि जो सीखने के लिए ही। हाँ, तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि अच्छी जगह चला जाऊँ, तो फिर मैंने। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर, हरिद्वार से। हरिद्वार से हैं, तो हरिद्वार से तो दिल्ली पास पड़ता है, और भी बहुत सारे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो क्यों ज्वाइन नहीं किया आपने? मैंने देखा है कि देव सर के जो यूट्यूब पे चैनल देखा है, तो मुझे जुनून जज्बा देव सर का पढ़ाने का तरीका मुझे लगा, अच्छा लगा है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे आके भी मुझे अच्छा ही लगा है कि हाँ मैं सही जगह हूँ, राइट जगह आया हूँ, मैं कोई गलत जगह नहीं आया हूँ। अच्छा, एक सर की स्कीम चल रही है 4 दिन रिफंड की, तो कि अगर आप नहीं सीखें तो चौथे दिन आप पैसा रिफंड ले सकते हैं, तो आप भी आए थे, आपसे भी ये कहा गया कि आप पैसा वापस ले सकते हैं? बिल्कुल कहा गया था। तो आपने फिर पैसा वापस क्यों नहीं लिया? मुझे क्या है कि यहाँ पे अच्छा है, मतलब कि सीखने का वो जज्बा है यहाँ पे, सिखाने का जो बच्चों को सिखाया जाए, जो स्टूडेंट को सिखाया जाता है बहुत ही अच्छी तरह। अच्छा, अभी इन 20 दिन जो आपकी क्लास रही, इन 20 दिन में आपने क्या क्या किया है यहाँ? मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब कि मैं चाहे डेड फोन आ जाए, चाहे जैसे जिस तरह भी कंडीशन में, मुझे बिना सोचे समझा
कुछ फोन तो मैं बिना डायग्राम के भी सही कर सकता हूँ। अच्छा, बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं, यानी कि जो और लोग कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाए तो डायरेक्ट डायग्राम खोलते हैं और आप बिना डायग्राम खोले वो कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच आपने सीपीयू भी किया है, पावर भी की है और अब आज डुअल डेकर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ जो टीचर का एक्सपीरियंस है वो कैसा है, मतलब टीचर ऐसी दो दो चार चार पाँच पाँच महीने के हैं या फिर उन्हें वाकई में नॉलेज है? बिल्कुल नॉलेज है उन्हें, जब भी तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है 12 से 13 14 घंटे तक के पढ़ाते हैं टीचर। अच्छा, 12 से 14 घंटे पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट पढ़ता है इतने घंटे? अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम टाइम है, ये टाइम फिक्स है, आना और जाना इसी का, यहाँ पे कोई टाइम नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि देव सर 2 घंटे के लिए आए हैं और बता के चले गए, चलो जी हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यानी कि आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पढ़ाई जाती है एक साथ। यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले? यहाँ पे जाने के बाद मैं अपनी शॉप पे ही काम करूंगा। ओके, ठीक है। डिसिप्लिन कितना जरूरी है? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर के गले में हाथ डाल के चल रहे हैं, चलो एक बीड़ी भी आते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं, टीचर टाइम पे आते थे? बिल्कुल टाइम पे आते थे, टाइम से पहले ही आ जाते थे। अभी ऐसा तो नहीं कोई जबरदस्ती दबाव में ये बातें बताई जा रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। संतुष्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो आपने ये देखा, हमने यहाँ बच्चों का रिव्यू लिया और रिव्यू जो था यहाँ वो आप इनके चेहरों से पता कर सकते हैं कि ये कितने खुश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 20 दिन अपने दिए हैं उस 20 दिन में जो नॉलेज इन्होंने हासिल की है उसके लिए सारा पैसा भी कम है। अगर ये कहते हैं ना कि 2 लाख 4 लाख पैसा खर्च करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर पैसा खर्च करके भी आपको नॉलेज नहीं मिल पा रही है तो वो बड़ी बात है। अगर आप भी एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, एक अच्छे मोबाइल रिपेयर करने वाले बनना चाहते हैं और एक अच्छी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको 4 दिन की गारंटी देता है कि अगर आपने 4 दिन में कुछ नहीं सीखा है तो आपको पूरा पैसा रिफंड दे देता है। और ये गारंटी देव सर के साथ साथ मैं भी लेता हूं, मेरे चैनल पर भी ये वीडियो पड़ा हुआ है और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो देव सर ने की है और ये आपको कहीं नहीं देखने के लिए। इसके अलावा भी जो आप देख सकते हैं वो है सर का बैकअप सपोर्ट। अगर जो स्टूडेंट यहां से सीख के जाते हैं वो महीने में 2 बार अपने आप को अपडेट करने के लिए, ये कोई नहीं करता है। आप बड़ी-बड़ी कंपनी में भी जाएंगे ना, अगर किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट निकाल दिया है तो उसकी अपडेट के लिए अलग से फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन एशिया टेलीकॉम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां आपको मिल जाता है कि वो आपको बुलाता है और अपडेट कराता है, अपडेट करने तक की जिम्मेदारी आपकी एशिया टेलीकॉम। आपने वहां पे लोगों से बात कर ली? जी सर, सबसे नहीं किया सर, कुछ लोगों के हमने, मैं चाहता हूं और लोगों से लो, आप बिल्कुल सबसे बात करो, सबको दिखाओ। ओके सर, नहीं छोड़ो, सबसे बात करो, आइए। ठीक है, अभी हम और चलते हैं, सभी स्टूडेंटों का रिव्यू हम इसमें दिखाने वाले हैं जो ये डेली आप फेसबुक पे भी लाइव आके देखते थे। ठीक है सर, क्या कर रहे हैं आप? सर मैं डबल डेकर रिवॉल करने वाला हूँ। अच्छा, डबल डेकर रिवॉल करने वाले, निकाल आपने लिया है, दिखा दीजिए एक बार अपनी पीसीबी। ये देखिए, इन्होंने डबल डेकर की आईसी निकाल ली है और निकालने के बाद अब ये इसे रिवॉल करने वाले हैं। अच्छा, कैसा आपका एक्सपीरियंस है जो आपने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया, इन 20 दिनों में आपने क्या सीखा है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही एक्सपीरियंस हर किसी को मिले और आने वाले समय में मैं बहुत अच्छा काम करूँगा सर। बहुत बढ़िया, हम भी यही कामना करते हैं कि आप यहाँ से सीख के जाएं, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको काम करना है अच्छे से और जो आपने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है उसे भी रिकवर करना है, क्योंकि आदमी का जो पैसा खर्च होता है, पैसा बड़ी बात नहीं होती, उसके साथ साथ जो आपने टाइम दिया है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू समझने लगे तो आप पैसा आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। yes. ठीक है, अच्छा एक चीज, यहाँ जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन के लिए क्या कहना चाहेंगे, जरूरी क्यों है डिसिप्लिन? बहुत जरूरी है जीवन में, यदि आगे बढ़ना है तो देवसर का मतलब मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है मैं उसको फॉलो करूंगा सर, और अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहेगा, है ना? ऐसा है बिल्कुल। अच्छा, आज जो आप ये डुअल डेकर आपने निकाल लिया है तो क्या इसके बारे में आपको बताया गया है कि कैसे निकालना है? क्या सर ने लाइव करके दिखाया सर, प्रैक्टिकल। अच्छा, लाइव प्रैक्टिकल में डेट सेट था एक, उसका सीपीयू रिवॉल्व किया और उसके बाद उसको ऑन किया सर सेट। वेरी गुड, यानी कि लाइव आपको ऑन भी करके दिखाया। अच्छा, यहाँ जो जैसे टीचर हैं हमारे, दुर्गेश सर हैं, मिलन सर हैं, उनकी नॉलेज कैसी है? सर बहुत बढ़िया, लाजवाब सर, एंडलेस सॉल्यूशन देते हैं सर, एंडलेस सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही उठा के अभी ये बता दिया वो बता दिया, आपको एज अ सिलेबस वाइज सब कुछ दिया गया। यस सर, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं और वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि यदि वो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आगे बढ़ना
आते हैं तो बिल्कुल तुरंत ही ज्वाइन कर लेने चाहिए। मतलब विदाउट नॉलेज के काम करने में कस्टमर का पैसा भी लॉस होता है और कस्टमर के सेट डेड भी होते हैं और अपना भी समय बर्बाद होता है। इससे अच्छा है कि यार नॉलेज ले लो, इसके बाद काम करो, ऐसा है। नहीं, बहुत अच्छे है, आपने अपना काम कीजिए आप। और देखिए यहाँ सभी डुअल डेकर कर रहे हैं और डुअल डेकर आज इनका लास्ट डे है और ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार कोशिश करेंगे और हुआ नहीं हुआ। यहाँ ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं और उसके बाद इनका जो सक्सेस रेट है लास्ट में वो भी हम जानेंगे। तो अभी हम इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कर रहे हैं आप? सर मैं सीपीयू निकाल रहा हूँ डुअल डेकर का। अच्छा, डुअल डेकर का सीपीयू निकाल रहे हैं। अच्छा, आपने निकाल भी दिया है शायद। हाँ ठीक है, इनका भी दिखा दीजिए। ये देखिए इन्होंने निकाल दिया है और बहुत अच्छा, ये अगर लाइट बढ़ रही होगी तो ये देखिए कितना क्लीन इन्होंने कर दिया है। ओके, तो ये करने से पहले आपको बताया गया है कि क्या करना है, कैसे करना है, या बस आप ऐसे लग गए? नहीं सर, अभी मुझे लाइव बताया एक सर कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके, उसका मैं फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मान लीजिए लाइव बता रहे थे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो क्या आपने सर से पूछा या किसी? नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, सारा चीज अच्छा समझ में आया सर, और सर पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि 20 दिनों में आपको इतना आ गया है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो डेड डायग्नोस की क्लास होती है वो कैसी रही आपकी? सर वो तो कुछ बात नहीं कर सकते सर उसके बाद। अच्छा, यानी कि अब आप भी कोई डेड फोन आता है तो उसे रिपेयर कर सकते हैं? बहुत सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक देव सर की 4 दिन की जो ये चल रही है कि 4 दिन में वो पैसा रिफंड कर रहे हैं, तो जब आप आए थे आपसे भी पूछा गया था कि हाँ पैसा पूछा गया था। सर मैंने सोचा मैंने पैसा लेना है नहीं लेना, बस सीखना यहाँ पे सर। अच्छा, आपने नहीं लिया पैसा? नहीं सर, किसी ने नहीं लिया, कोई बच्चा नहीं गया सर। अच्छा, और आपने तीसरे चौथे दिन क्या कर दिया था? सर सीपीयू कर दिया था। ओके, करता भी नहीं था कभी, आज तक भी देखा भी नहीं था। दे देता हूँ, आके पूछ लो। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपने देखा कैसा इनका रिव्यू है कि ये अपना एड्रेस तक देने के लिए रेडी हैं, और एड्रेस और फोन नंबर सिर्फ वही दे सकता है जिसने कुछ सीखा हो। जिसने कुछ नहीं सीखा हो वो कभी आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके खुद के डाउट क्लियर नहीं होंगे तो वो आपको क्या समझाएगा। हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं आप? डुअल डेकर कर रहे हैं। यहाँ आने से पहले कहाँ करते थे आप? नहीं, फ्रेशर है सर। फ्रेशर हो बिल्कुल, और आज डुअल डेकर उतार ले रहे हो? हाँ सर, 20 दिन में इतना सीख लिया है? हाँ, सब सीख लिया। अच्छा, देव सर की जो 4 दिन की मुहिम है कि पैसा रिफंड वाली, वो आपसे भी पूछी गई? हाँ, थी? पूछे थे सर। पूछा था? हाँ, हमको सीखने गए सर, इसलिए हम नहीं यहीं रुके। एक 3 जने वापस गए, उनको थोड़ा भाषा समझ में नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी। ओके ओके ओके, इसलिए 3 जने यानी कि आपको समझ आया इसलिए आप रुक गए? समझ आया। ओके, तो कैसा यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो कैसा आपको लगा? बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन है सर, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। और टीचरों की नॉलेज एंडलेस तक है सर। एंडलेस तक, यानी कि आपको जो बताया जा रहा है वो सही तरीके से प्रैक्टिकल भी कराया गया है। ऐसा तो नहीं सिर्फ थ्योरी करा के छोड़ दिया है, दोनों थ्योरी होने के बाद प्रैक्टिकल करा रहे सर। ठीक है, जब तक क्या जो देख रहे हैं अगर वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ज्वाइन कर ले आराम से, कुछ भी टेंशन नहीं सर। खुद किधर तो गए थे, टेंशन है, लेकिन यहाँ है तो टेंशन कुछ भी नहीं। वेरी गुड। कहाँ से हैं आप? कर्नाटक से। कर्नाटक से है। देखिए जो साउथ के हैं और जो कर्नाटक से देख रहे हैं और जिन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कर्नाटक के स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ इंडिया में हर जगह से स्टूडेंट आता है, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो या सूरत से लेके आसाम तक हो, यहाँ मिजोरम हो या मेघालय हो, हर जगह से आपको स्टूडेंट देखने के लिए मिल जाता है। और सर ने इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी स्टूडेंटों को पढ़ाया है। यूएई के सर के स्टूडेंट हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, इसके अलावा भी और भी ऐसी कंट्री है जहां के स्टूडेंट देव सर के होते हैं। तो अगर आपको भी एक अच्छी नॉलेज लेनी है, प्रॉपर नॉलेज लेनी है, आपको सही तरीके से वर्क करना है और सही तरीके से काम को सीखना है, तो आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, कर दो भाई।